हेलो व्यूअर्स, पीसीएस इन शॉर्ट्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा। तो आज का विषय है, कैसे बचें सिम स्वैप स्कैम से। आइए जानते हैं कि हाल ही खबर में क्यों है। हाल ही में दिल्ली में सिम स्वैप स्कैम की एक नवीनतम घटना सामने आई है। ये घटना तब हुई जब पीड़ित को अज्ञात नंबरों से 3 मिस्ड कॉल प्राप्त हुई और पीड़ित के बैंक खाते से पैसे निकाल लिए गए। चलिए अब जानते हैं सिम स्वैप स्कैम के बारे में। तो ये एक मोबाइल फोन साइबर धोखाधड़ी है। इसमें स्कैमर यूजर के नंबर को अपने पास मौजूद सिम कार्ड से जोड़कर उनके सिम को नकली सिम कार्ड से बदल देते हैं और उसके नंबर पर अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल कर लेते हैं। सिम स्वैप घोटाले में जालसाज सबसे पहले फिशिंग की मदद से व्यक्तिगत विवरण जैसे फोन नंबर, बैंक खाते का विवरण और पता हासिल कर लेते हैं। दरअसल फिशिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें स्कैमर्स यूजर्स को मेल या संदेशों के माध्यम से मैलवेयर लिंक भेजते हैं और एक बार लिंक खुलने पर मैलवेयर यूजर की सारी जानकारी चुरा लेता है। इसके बाद स्कैमर्स नकली आईडी प्रमाण के साथ पीड़ित बनकर मोबाइल ऑपरेटर के रिटेल आउटलेट पर जाते हैं और पीड़ित के सिम कार्ड और या मोबाइल फोन की फर्जी चोरी की रिपोर्ट करते हैं। ऐसा करने पर उन्हें डुप्लीकेट सिम मिल जाता है। सिम स्वैप घोटाले में पीड़ितों के साथ सीधे संचार की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि स्कैमर्स पीड़ितों को मिस्ड कॉल देते हैं ताकि वो खोई हुई नेटवर्क कनेक्टिविटी को नजरअंदाज कर दें। सिम स्वैप प्रक्रिया के बाद स्कैमर सिम पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और सभी कॉल और मैसेज उसके सिम में आने लगते हैं, जिससे स्कैमर पासवर्ड और ओटीपी प्राप्त करने में सक्षम होते हैं जो उन्हें बैंक खातों तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं इस धोखाधड़ी से बचने के कुछ उपायों पर। तो इसके लिए बैंकिंग से जुड़े पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएं और उन्हें नियमित अंतराल पर बदलते रहें। बैंक अकाउंट की डिटेल्स को चेक करते रहें। 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। संदेह होने पर तुरंत सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें। किसी भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन केस में तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। अनजान लिंक्स या वेबसाइट्स पर क्लिक करने से बचें आदि। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सिम स्वैप स्कैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसमें स्कैमर पासवर्ड और ओटीपी प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। और दूसरा कथन, इसके लिए स्कैमर्स को हमेशा यूजर से सीधे संवाद की आवश्यकता होती है। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही बताइए कि हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।